तो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के अलावा छत्तीसगढ़ सरपंच संघ के द्वारा भी अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर एक सप्ताह से काम बंद कलम बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें सरपंच संघ द्वारा पहले दिन जिले के जनपद पंचायत के सभा कक्ष में सरपंच संघ का बैठक रखी गई। इसके बाद विगत दिनों सरपंच के द्वारा रैली निकालकर SDM और थाना को ज्ञापन सौंपा गया। इसके बाद आज सरपंच संघ द्वारा अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर में बाइक रैली निकालकर क्षेत्रीय विधायक के निवास स्थान पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। सरपंचों ने कहा कि अगर सरकार जल्द इनकी 13 सूत्रीय मांगों पर अमल नहीं की तो जल्द सरपंचों के द्वारा महा आंदोलन किया जाएगा। सरपंच संघ के आह्वान पे कसडोल जनपद सरपंच संघ के द्वारा हमारी जो कसडोल विधानसभा क्षेत्र की जो विधायिका है उनको सरपंचों की जो 13 सूत्री मांगे हैं मुख्यमंत्री जी के नाम सौंपेंगे। बाइक रैली निकाल करके हम उनके निवास पहुंचने वाले हैं। 13 सूत्री मांगी हैं पूरे छत्तीसगढ़ सरपंच संघ के अध्यक्ष सम्मानी आदित्य उपाध्याय जी के नेतृत्व में हो रहे हैं और हमारे छत्तीसगढ़ में 146 जनपद मुख्यालय के सामने हम लोग 22 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। हमारा 13 सूत्री मांग है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को कम से कम 10 लाख रुपये का निधि दिया जाए, प्रधानमंत्री आवास को प्रारंभ किया जाए, साथ ही 15वीं की राशि है उसको मनरेगा में अभिसरण किया जाता है उसको समाप्त किया जाए, सरपंचों को सम्मानजनक वेतन दिया जाए और सरपंच और पंच को भी वेतन दिया जाए, साथ ही साथ सरपंचों